कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ये सबको पता है कि हिंडनबर्ग ने जो पहले स्थितियां पैदा की है उसकी वजह से उनके पहले कई शेयरों में जो गिरावट हुई है उससे ही प्रेरित कुछ न्यूज़ जो निकल कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर सिक्स और आज बात करेंगे सर अडानी ग्रुप की। आपको आजकल दो चार दिन से अडानी ग्रुप थोड़ा सा संकट में दिख रहा होगा, बाकी कोई भी उनकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ये सबको पता है कि हिंडनबर्ग ने जो पहले स्थितियां पैदा की है उसकी वजह से उनके पहले कई शेयरों में जो गिरावट हुई है उससे ही प्रेरित कुछ न्यूज़ जो निकल कर आ रही है उस वजह से अडानी ग्रुप में थोड़ा सा डर का माहौल है। बल्कि भैया ऐसा तो कुछ नहीं है कि अडानी ग्रुप में कोई निगेटिव चीज़ें हो रही हैं। मसला फिर से जो उठा है वो सेबी की जो एक कारण बताओ नोटिस जो हिंडनबर्ग को जारी किया जो 46 पेजों का है उसके अंदर से ही मसले कुछ अलग होते जा रहे हैं। उधर से भी कुछ बातें हो रही हैं, इधर से भी कुछ बातें हो रही हैं। इस वजह से थोड़ा अडानी ग्रुप हमें टेंशन में दिख रहा है। आज एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है जिसके अंदर जो अपने 46 पृष्ठ जो हिंडनबर्ग के लिए कारण बताओ नोटिस में सेबी ने किए उसके अंदर जो न्यूज़ निकल कर आ रही है उसके अंदर सेबी ने जो बोला है कि हिंडनबर्ग ने अपने क्लाइंट को 2 महीने पहले ही, यानी कि 2 महीने पहले ही अपनी रिपोर्ट को प्रकाशित करने से 2 महीने पहले अपने 2 क्लाइंटों को उन्होंने बातें बताई जिसके अंदर हेज फंड हो गया, दूसरा कोटक महिंद्रा बैंक का एक ब्रोकर है, सहायक ब्रोकर है, उनका भी नाम खुलासा हो रहा है। यहाँ से थोड़ी चीज़ें आपको ये समझनी है कि भैया जो सेबी कह रहा है कि भैया आपने अपनी रिपोर्ट से 2 महीने पहले जो अपने क्लाइंट को अडानी ग्रुप की रिपोर्ट से पहले जो बताया उसकी वजह से उन्होंने उसमें अपनी पोजीशन बनाई और उस वजह से जिस तरीके से डर का माहौल पैदा हुआ, घबराहट में बिक्री लोगों ने की और वहां पर वो दोनों ने करीब $150 अरब का मुनाफा कमाया। तो ये एक अनुचित मुनाफा है जो एक धोखाधड़ी के हिसाब से किया गया है, ये सेबी की रिपोर्ट है। यहाँ से थोड़ा सा आज आपको समझना है कि ये सेबी ने हिंडनबर्ग से पूछा तो यहाँ पर हमारे अडानी जी थोड़े अलग तरीके से, मतलब थोड़ा सा शांत तरीके से हमें दिख रहे हैं कि भैया उनके ऊपर ये बात नहीं हो रही है क्योंकि वो तो हिंडनबर्ग ने जो अपनी अनुचित रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसके ऊपर ये बात हो रही है। तो यहाँ पर सेबी हिंडनबर्ग से पूछ रहा है भैया क्या ये चीज़ें थी। तो अब 2 चीज़ों के नाम आ रहे हैं और उसकी वजह से ये ब्रेकिंग न्यूज़ बनती जा रही है। फिर भी मुझे लगता है कि अडानी ग्रुप में हाल ही में 1-2 उछाल गिरावट वाली चीज़ें होंगी, बल्कि पूरी पूर्णतया चीज़ें जब होंगी जब ये मसले शांत हो जाएंगे। अभी इन मसलों पे हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ये दोबारे से मसले उठ गए हैं और कहीं ना कहीं से भी जो अपनी जांच कर रहा है वो हिंडनबर्ग को ही अलग तरीके से कह रहा है कि भैया तुमने पहले 2 महीने पहले कैसे चीज़ें बताई। तो यहाँ पर थोड़ी सी और आपको हल्का सा संयम अपने ऊपर देना पड़ेगा और अडानी ग्रुप को एक अच्छा ही ग्रुप समझना पड़ेगा जब तक के बातें पूरी क्लियर नहीं होती। अडानी ग्रुप को एक अच्छा संकेतों के साथ ही देखें क्योंकि भैया सेबी तो हिंडनबर्ग से पूछ रहा है, वो चीज़ों को समझना। तो एक पॉजिटिव संकेत थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ से मिल सकते हैं, बल्कि पूर्णतया जो चीज़ें हो जाएंगी वो बाद में देखने को मिलेंगी। जिसको भैया RVNL हो गया, IRFC हो गया, टमास्को रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी है, उसके ऊपर एक फुल एनालाइज देखनी है तो सार्थक वजारती चैनल पर मैंने वो डाल दिए, कृपया आप उसे भी देख सकते हैं, है ना। तो आज की न्यूज़ से आपको अडानी के जो शेयरों के अंदर क्या प्रतिक्रिया जागी है, क्योंकि जो पहले शेयर गिरे हैं काफ़ी लोग उससे घबरा रहे हैं, भैया देखो वो कुछ न्यूज़ के अनुसार हो रही है चीज़ें, काम के अनुसार नहीं हो रही है। तो जब काम के अनुसार होगी तब हम देखेंगे, फिलहाल तो हमें पॉजिटिव संकेत अडानी ग्रुप से ही मिल रहे हैं। बाकी आपको क्या वीडियो देखकर क्या समझ में आया एक बार मुझे बता देना। तो फिर मिलेंगे आपसे नोटिफिकेशन के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।